अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अलीम फ्रॉम स्किल्स अकेडमी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फेसबुक शॉप्स, वो क्या चीज़ होती है और हम किस तरह उसे सेटअप कर सकते हैं। तो फेसबुक शॉप जो है वो फेसबुक ने कल ही इंट्रोड्यूस करवाई है। ये इस वक्त अवेलेबल है फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर। फेसबुक इसे थोड़े दिनों तक या चंद माह तक इंट्रोड्यूस करवाएगा व्हाट्सएप और मैसेंजर पर। और इसको इंट्रोड्यूस कराने का मकसद जो स्मॉल बिजनेसेस हैं उनकी हेल्प करना, ताकि वो ज़्यादा सेल कर सकें या इस पेंडेमिक में सर्वाइव कर सकें। तो इसको सेटअप करने का तरीका ये है कि आप अपना पेज ओपन करें और यहाँ पे ये शॉप का बटन होगा। हो सकता है कि ये शायद आपके पास इधर नीचे शो हो रहा हो। आपने इसे ओपन करना है और आई एग्री कंटिन्यू। और यहाँ से आपने ऑप्शन सेलेक्ट करना है, मतलब अगर आप चाहते हैं कि बाय की बटन की जगह मैसेज का बटन शो हो तो आप यहाँ से मैसेज सेलेक्ट करेंगे, या आप चाहते हैं कि वो किसी और वेबसाइट जैसे दराज वगैरह है वहाँ पे जाके चेकआउट करें तो उसके लिए आप दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अगर आपका कोई ई कॉमर्स स्टोर है या आप कहीं दराज वगैरह पे सेल कर रहे हैं तो उसके लिए दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करें। और यहाँ से आप अपनी शॉप की करेंसी सिलेक्ट करेंगे, हम पाकिस्तानी रुपीस सिलेक्ट करेंगे उससे। उसके बाद ऐड प्रोडक्ट, यहाँ से अब आप अपनी प्रोडक्ट की वीडियो ऐड कर सकते हैं या उसकी फोटो। तो हम अपने पेज के रेलिवेंट एक प्रोडक्ट ऐड करके चेक करेंगे। तो ये फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट है, इसका नेम कॉपी करेंगे, पेस्ट, और इसकी इमेज डाउनलोड करेंगे। यूज इमेज और डिस्क्रिप्शन आपकी जो प्रोडक्ट की होगी, एग्जांपल के तौर पे मैं ये कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। तो चेकआउट यूआरएल में हम ये वाला यूआरएल पूरा एंटर कर देंगे। अगर आप चाहते हैं कि ये प्रोडक्ट आपके पेज के ऊपर शेयर हो जाए ऐड करने के बाद, तो आप यहाँ से इस ऑप्शन को अनेबल करेंगे और उसके बाद ये प्रोडक्ट की कंडीशन यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे, अगर न्यू हो, रिफर्बिश्ड, यूज्ड, फेयर और इस तरह करके जो इसकी कंडीशन है। तो हम न्यू सेलेक्ट कर लेते हैं और ऐड प्रोडक्ट। उसके बाद यहाँ पे आप अपने स्टोर के बारे में लिख सकते हैं कि हमारा स्टोर क्या सेल करता है। यही एक छोटा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। उसके बाद अगर आप इसकी कैटेगरीज वगैरह बनानी चाहें तो वो आप यहाँ से बना सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद व्यू शो, तो फेसबुक इसे रिव्यू करेगा, उसके बाद ये अप्रूव होगा। तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि हम फेसबुक से एड चला के और ट्रैफिक डायरेक्ट पेज के अपने पेज की शॉप के ऊपर ला सकते हैं और वो ज़्यादा आसानी होगी। तो ये मेरे ख्याल से जो यूरोपियन कंट्रीज या यूनाइटेड स्टेट्स वगैरह होगी वहाँ पे डायरेक्ट चेकआउट का सिस्टम भी होगा, लेकिन चूंकि पाकिस्तान है और यहाँ पे वो फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं, इस वजह से इसमें एक मैसेज का ऑप्शन है और दूसरा आप अपनी वेबसाइट के ऊपर सेंड कर सकते हैं।